आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का 4 मैं करने वाला हूँ, इससे पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के नंबर सिस्टम क्लास 9 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आइए अब यहाँ देखो कि इससे 4 नंबर में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 है ये हमारा, एक्सरसाइज 1F है आर्यस अग्रवाल से क्लास 9 का। तो देख लो, इसमें हम लोग सब वही काम करेंगे, हमको उस तीनों को ऐड करके निकालना है, बनाना है इसका सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला काम तो करेंगे डिनोमिनेटर को हम लोग करेंगे रेशनलाइज। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए देखो कि ये है हमारा 2 बाय 2 रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मालूम है कि सिर्फ साइन चेंज करेंगे, तो रूट टू माइनस रूट थ्री से नीचे एंड रूट टू माइनस रूट थ्री से ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस कर दूँ, देन इसके तो इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6√2 है तो 6√2 लिख दिया अपॉन रूट 6 है तो रूट 6 प्लस रूट 3 है तो रूट 3, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे कि रूट 6 माइनस रूट 3 से नीचे और रूट 6 माइनस रूट 3 से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो ये लास्ट टर्म है हमारा, माइनस है बीच में तो माइनस दे दिया। अब 8√3 है तो 8√3 पहले लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 8√3 अपॉन क्या है हमारा कि रूट 6 प्लस रूट 2 है तो रूट 2 लिख दिया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, देखो ये रेशनलाइज कर रहा हूँ मैं, तो 8√3 के प्लस है ना तो माइनस, यानी कि रूट 6 माइनस रूट 2 से नीचे रूट 6 माइनस रूट 2 से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। आइए अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस हमारा जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसको जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे देखो 1 है, कितना है तो 1 है ना, तो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12 हो जाएगा, तो 2√12, ठीक है। चलिए फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में आएगा है ना, और रूट 6 इंटू रूट 3 यानी कि रूट 18, तो 2 क्योंकि 2 भी है हमारा 2√18 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2√18 आ गया। बाई में देखो हमें मालूम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। चलिए बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 6√2 है हमारा। एक काम करते हैं, इन दोनों को भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा 6√2, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ मल्टीपल के फॉर्म ले दे रहे हैं, 6√2 ये हो गया हमारा। फिर मल्टीप्लाई विथ क्या है हमारा कि रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के छोड़ दिया। अभी बाई में है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। चलिए अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो माइनस है तो माइनस डाल दिया, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के छोड़ दो, इंटू रूट 6 माइनस रूट 2, ठीक है। अब ऑन इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लिखेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है क्लियर। आइए अब आगे का स्टेप जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर देखो इस अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो 2√12 माइनस 2√18 है ना, अप ऑन में हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख दिया। चलिए अब यहाँ क्या है ये देख लो कि यहाँ ऊपर अभी एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, तो 6√2 है उसको एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई कितना है हमारा रूट 6 माइनस रूट 3, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है। चलिए माइनस है तो माइनस दे दिया, देन यहाँ क्या है 8√3 तो 8√3 रहने दिया, मल्टीप्लाई में क्या है कि रूट 6 माइनस रूट 2,
ठीक है, और नीचे क्या है, सिक्स है, सिक्स में से टू जाएगा तो फोर, क्या हो गया फोर। अब जो कटेगा तो उसको काट देंगे, तो देखो यहाँ देखो ये थ्री से सिक्स कटेगा टू टाइम्स में, और यहाँ से फोर से एट कटेगा टू टाइम्स में। तो इसके बाद का जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऊपर लिखूंगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद को मैं ऊपर लिख करके आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है देखो यहाँ पर नीचे में माइनस वन है, तो माइनस वन से क्या करेंगे अपन, माइनस से जब ये माइनस ऊपर आएगा तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कि माइनस टू रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व। चलिए फिर ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टू रूट एट्टीन, तो ये हो गया प्लस टू रूट एट्टीन। चलिए ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारा डिस्टेंस टू रूट टू, टू रूट टू को जब रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू इंटू रूट सिक्स रूट ट्वेल्व हो जाएगा, तो प्लस में होगा प्लस टू रूट ट्वेल्व, ये हो गया हमारा। देन फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, देखो अभी रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स हो जाएगा माइनस में, तो टू रूट सिक्स हो जाएगा, टू रूट सिक्स माइनस में हो गया। सब सेम काम यहाँ करेंगे, यहाँ देखो माइनस में है ऑलरेडी है, तो माइनस टू रूट थ्री और रूट सिक्स, तो ये माइनस में होगा हमारा, माइनस प्लस माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस रूट थ्री इंटू रूट सिक्स रूट एट्टीन, और यहाँ टू भी है तो टू रूट एट्टीन आ जाएगा, टू रूट एट्टीन ये माइनस में आ गया। ठीक है, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो प्लस यहाँ लिख दो और क्या हो जाएगा हमारा कि थ्री टू जस्ट सिक्स, तो माइनस सिक्स है ना, और ये यहाँ पर टू भी है, तो माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस में तो हो ही है, तो ये हो जाएगा टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स। अब देखो जो जो कटेगा उसको उसको काट देंगे, तो यहाँ पर टू रूट ट्वेल्व जो है ये माइनस में, और यहाँ टू रूट ट्वेल्व जो है ये प्लस में है, तो ये टर्म जो है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब देखो ये यहाँ पर टू रूट एट्टीन यहाँ प्लस में है, और यहाँ पर टू रूट एट्टीन माइनस में है, तो दो गधे प्लस में और दो गधे माइनस में दोनों कट गए, तो गधे खत्म हो गए है ना, आप सिर्फ घोड़े बचे हैं तो घोड़े को भी खत्म कर देंगे हम। यहाँ देखो टू रूट सिक्स माइनस में है, टू रूट सिक्स यहाँ प्लस में है, तो ये भी जो है हमारा टर्म कट जाएगा। फाइनली हमारे पास में आया बाबा जी का लड्डू है ना, ठुल्लू आ गया हमें, तो यानी कि यही जो है हमारा आंसर हो गया, सब कट कुटा के जीरो आ गया है ना, देखो जीरो आ गया। तो अब जो है यही हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन नंबर सेवन का फोर था, नेक्स्ट है अब हमारा एट नंबर, तो एट नंबर पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, कीप सपोर्टिंग।